अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म मिशन मंगल मुसीबत में फंस गई है। दरअसल फिल्म मेकर राधा भारद्वाज ने इस पर स्क्रिप्ट चुराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही राधा ने कोर्ट से अपील की है कि मिशन मंगल की न सिर्फ शूटिंग बंद की जाए बल्कि इसकी रिलीज पर भी स्टे लगाया जाए। राधा का आरोप है कि मिशन मंगल उनकी स्क्रिप्ट और उन्होंने ये स्क्रिप्ट नीरजा के प्रोड्यूसर रहे अतुल कसबेकर को भी 2 साल पहले सुनाई थी। पर राधा के दावों के मुताबिक अतुल ने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए कहानी विद्या बालन को सुना दी। फिर बोर्ड पर अक्षय कुमार और बाकी लोग आ गए। साथ ही आनंद फानन में अपनी फिल्म की शूटिंग भी शुरू की ताकि राधा की शूट हो चुकी फिल्म स्पेस MOMS यानी स्पेस मिशन ऑन मार्स को नुकसान पहुंचाया जा सके। राधा की लॉयर सृष्टि ओझा का कहना है कि मंगलयान की कहानी कहने के 100 तरीके हैं, मगर राधा की कहानी में अनूठा एंगल था। ये एंगल वुमेन इंजीनियर्स का था जिसकी बदौलत भारत मंगल पर मंगलयान भेजा गया था। राधा ने 2 साल पहले इसकी कहानी लिखी और US कॉपीराइट ऑफिस में रजिस्टर भी करवाया। इसरो ने राधा की कहानी को सपोर्ट भी किया था। इसरो ने न सिर्फ राधा की कहानी को सपोर्ट किया था बल्कि रिसर्च के लिए अपने इंजीनियर से इंटरव्यू भी करवाया था। राधा ने जो मुकदमा दर्ज कराया है उसके तहत अतुल की टीम ने ये स्वीकार किया है कि स्क्रिप्ट विद्या बालन को ईमेल पर भेजी गई थी, विद्या ने वो पढ़ी भी। इस पर राधा भारद्वाज ने अतुल की कंपनी से करार तोड़ दिया है और इस तरह अब अतुल कसबेकर की कंपनी भी विवादों में घिर गई है। तो अब इसके बाद देखना होगा कि ये फिल्म पूरी हो पाती है या नहीं, या फिर फिल्म पर यहीं पर ब्रेक लग जाता है। तो अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।